Yo, what's happening guys, my name is Noggy और आज हम फिर से Minecraft वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं और आज तो हमारी Minecraft की दुनिया क्या खिल रही है यार, और वो इसलिए क्योंकि आज हम यहाँ पर आ चुके हैं दी ब्रांड न्यू 1.19 के ऊपर। लेट्स गो। और यार ऑलरेडी गाइज हमारी गेम कितनी ज्यादा क्लीन लग रही है। और गाइज मुझे ऑल्सो यहाँ पर जानना है कि इस 1.19 में क्या नया आया है। यार मैंने सुना है कि गाइज यहाँ पर बहुत सी चीजें आई हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रॉग्स आ चुके हैं, टैडपोल्स आ चुके हैं, नए नए ब्लॉक आ चुके हैं, एंड सिटी भी यहाँ पर, सॉरी एंड सिटी नहीं भाई, अंडरग्राउंड एंशिएंट सिटी भी यहाँ पर आ चुकी है, तो वो भी हमें एक दिन चेकआउट करनी ही है। और चपाती भाई ने गाइस मुझे इस अनजान से गांव के अंदर बुला के रखा है। थे ओ चपाती भाई, आ गया मैं आपके भाई लोकेशन के अंदर। शांति रख, यहाँ पर मैंने कछुए उगा के रखे हैं। आई मीन नॉट कछुए, फ्रॉग्स। व्हाट इफ, कहाँ पे भाई, मुझे भी देखना है। ए गरम पानी है यहाँ पर, मेरे को लगता है गाइस कि यहाँ पर गरम पानी है तो यहाँ पर फ्रॉग्स जो है जल्दी निकलेंगे। ये कौन सी फिजिक्स है, ये कौन सी चीज है, मेरे अंडे डैमेज हो जाएंगे पास नहीं आने का यहाँ पर। व्हाट है, आपने मुझे तीर मारा और एक्सपी मुझे मिला भाई, इसका मतलब और खा भाई, मैं हाफ आर्ट के ऊपर हूँ, हाफ आर्ट के ऊपर। और अगर मेरे अंडों के पास आने की कोशिश की तो भाई जरा हाफ आर्ट में पूरा खा जाऊंगा। अच्छा, मैं नहीं जाता भाई, मैं दूर से देख रहा हूँ। वैसे एक्चुअली यहाँ पर होने क्या वाला है भाई, ये कितना मस्त वाला भाई है। मैं ऊपर देखो, ऊपर स्वैम्प वाले ट्रीज लगे हैं, फिर ये मैसा है सामने, जंगल। हाँ भाई, वैसे यार सही बात कर रहे हो। और यहाँ पे प्लेन्स भी है छोटे छोटे, देख रहे हैं ना, ये देखिए ग्रीन वाली बायोम देख रहे हैं, सारी प्लेन है ये। कहाँ पर, ओ ये यहाँ पर गाइस छोटी सी प्लेन भी बनी हुई है, क्या मेरे अंडे कब उगेंगे यहाँ पर। आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ होने वाला, आई थिंक भाई अभी तक हमने यहाँ पर फिजिक्स सीखने पड़ेंगे। और ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे तोड़ रहे हो। अच्छा, चपाती भाई क्रिएटिव के अंदर क्यों खेल रहे हो भाई, मेरे को लगा था कि क्रिएटिव में अंडे जल्दी आती है, बट एनीवेज ये देखो यहाँ पर, ये देखो गाइस यहाँ पर छोटे छोटे टैडपोल्स आ चुके हैं, ये कितने ज्यादा कूल है यार। आज हम कछुए खाएंगे, ये इनकी कितनी हेल्थ है भाई, आप मार रहे हो, एक मिनट मैं मार के देखता। वो ये तो मरी नहीं रहा है, आई थिंक इनका सिर्फ एक ही हार्ट होता है यार। एक ही हार्ट है भाई, मैं इसको 5-6 बार ही मैंने इसको पंच किया फिर ये जाके मरा। लोहे का बना है भाई, वो वाला वो थानोस का भांजा है वो वाला। चल बता बे लॉगी, आज की प्लानिंग क्या है भाई। अगर हम क्रिएटिव के अंदर खेल ही सकते तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ 1.19 के ब्रांड न्यू टिकटॉक हैक। ये देख अपना हैक देख, हाँ दिखाओ। ये हैक नहीं, ये सबको पता है, पहले वर्जन से सबको आता है ये। बता तेरे पास कौन सा हैक है। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं आपको बड़े खतरनाक वाले हैक्स दिखाऊंगा। अरे मैं रेडी है, तो काम करते हैं ब्रोस, यहीं पर हैक चेकआउट करते हैं क्योंकि ये जगह थोड़ी बहुत खुली है। तो सबसे पहले हैक के लिए गाइस यहाँ पर एक्चुअली एक न्यू ब्लॉक आई है जिसका नाम है स्कल्क सेंसर, जो कि ये रहा। अरे ये एक्चुअली पुराना हो चुका है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। अच्छा बनाई है, लेकिन भाई जब हमने लास्ट टाइम किया था तब भाई ये एक्चुअली ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई थी, अब ये ऑफिशियली गेम के अंदर आ चुकी है। जिसके बच्चे स्कूल जाने का टाइम हो चुका तुम्हारे। अरे आज टिकटॉक हैक वाली क्लास है, रहने दो उनको, देखने दो भाई, सीखने दो उनको भी। गांव के अंदर चलो ज़ॉम्बी वगैरह आ जाएगा, तुम्हारी मौत आ जाएगी, निकल चलो। सबसे बड़ा ज़ॉम्बी तो मेरे सामने घूम रहा है, तो पूछे ना है कहां जा जा रहे हैं भाई, जंगल के अंदर जा रहे हैं। चल ठीक है, लगा तेरे पास कौन सा है। आज मैं आपको दिखाता हूं। आप सबको पता ही होगा जब लोग माइनक्राफ्ट के अंदर ट्रैप्स बनाते हैं तो गाइस हमेशा गाइस कोई ना कोई क्लूज होता है जमीन के ऊपर, जैसे सामने लीवर होता है, बटन होता है, या फिर ट्रिप वायर होती है। लेकिन स्कल्क सेंसर को यूज करके आप एक खतरनाक ट्रैप बना सकते हो जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चल पता, आज मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस हम यहां पर बनाएंगे एक टीएनटी वाला ट्रैप। अरे यार पूरा गांव फट जाएगा यार, प्लीज ऐसे मत कर यार। भाई हम सिर्फ एक ही टीएनटी यहां पर जमीन के अंदर रखेंगे और इसके साथ में, अबे दूर हो जाओ उससे, नहीं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो ये उसके साथ में मुझे यहाँ पर एक स्कल सेंसर ऐसे रखना है, फिर मुझे करना है इसको ऐसे कवर। अरे यार वो आते ही जल गया यार, हट गया वो, तूने मूव की और ले, हम टिकटॉक हैक बजाएंगे। सॉरी सॉरी, ये पूरा फट गया यहाँ पर। मैं आपको लैंप के साथ दिखाता हूँ, तो मैं लैंप मारूंगा ऐसे यहाँ जमीन के ऊपर रखना। अरे ये जमीन के ऊपर ही आ गया, और इसके नीचे मैं ऐसे स्कल सेंसर रखूंगा, फिर मुझे करना है इसको कवर। और अभी एक काम करता, मैं दूर आ जाता हूँ, दूर आ जाओ चपाती भाई, मैं नहीं हिल रहा था, अगर मैं हिलूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। वही तो यार यूजली जब ऐसे लोग ट्रैप्स बनाते हैं तो यहाँ पर यूजली ट्रिप वायर्स लगाते हैं, और कभी कभी लोगों को ट्रिप वायर दिख जाती है। अरे एक्चुअली बहुत मस्त है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लैंप यहाँ पर लगाऊं तो सारी एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही फिर। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने उसी के नीचे स्कल्क सेंसर लगा के रखा है, तो बेसिकली रेडस्टोन जैसा काम कर रही है। दिख क्यों नहीं रहा तेरा सेंसर ये। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं, ये देखो भाई, मैंने उसके नीचे ही लगाया है। काम करता है, आज यहाँ पर लगा देते हैं, दिखा मेरे कैसे बनती है एक्चुअली। अरे इनके नीचे ऐसे ऐसे रखना होता है जैसे रेडस्टोन हम लगाते हैं। अभी अगर मैं इसके पास जाऊं तो देखा ये चल रहा है भाई, ये एक्चुअली काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम अपने दुबई सिटी के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर रात को कोई बंदा बाहर निकलेगा और एक्सप्लोरिंग करेगा तो ये लाइटें ऑटोमेटिकली जल जाएंगी। मेरे पास एक ऐसा है क्या भाई, इसी वाला भाई, जो आप अपने दोस्तों के ऊपर यूज कर सकते हो ट्रोल करने के लिए। एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाए, मेरे को चीज टच करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई सिटी के अंदर लगाए और एक ऐसे स्ट्रीट लाइट की तरह कुछ बना सकते हैं, और अगर अभी मैं इसके ऊपर ये सेंसर लगा
लगा हूँ। ओ भाई ये देख रहे हो ना चल रहा है ये, स्कल्क सेंसर कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये। अरे मतलब कि ऑटोमेटिक लाइटें अब लगेंगी सिटी के अंदर, लेट्स गो बेटे। और सुनो मेरे पास एकदम से सही आइडिया जिससे आप अपने दोस्तों को ट्रोल कर सकते हो। आप स्कल्क सेंसर लेकर जाओ और इसको रखो डेजर्ट टेम्पल के अंदर। जैसे ही बंदा नीचे गया प्रेशर प्लेट वो मिस कर देगा, फिर भी सारा टीएनटी फट जाएगा। यो भाई एक्चुअली हो सकता है क्या? हाँ ये एक्चुअली काम करता है। टेस्ट करते यार ये वाला, मेरे को टेस्ट करना है। तो ये रहा अपना डेजर्ट टेम्पल और ये पीछे, अच्छा भाई मुझे लगा पीछे डायमंड के ब्लॉक्स पड़े हैं लेकिन पीछे पानी है यार। लोग एक्चुअली पागल हो चुके हैं, उसको लगता है कि 1.19 के अंदर भाई साहब ओशन बना है वो भी डायमंड्स का। सॉरी सॉरी, अरे ऊपर आ जाओ नहीं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है हॉली हॉली। तो ये मुझे एक्चुअली जल्दी से करना पड़ेगा, तो जल्दी से मुझे ऐसे तोड़ना और फिर मुझे जाना है ऊपर। और अरे यार मैंने कवर तो किया ही नहीं, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके लेट्स गो गाइस, मैंने दूर से कर दिया। अगर मैं नीचे जाऊँ तो फटेगा ये? हाँ हाँ फटेगा भाई, वो पहले ही फट गया, पहले ही फट गया। मतलब कि तो दोस्तों को ट्रैप करने के चक्कर में खुद ही ट्रैप हो सकता है, यहाँ पर खतरनाक हो सकता है ये। तो अगर आप थोड़ा बहुत गाइस यहाँ पर टेक्निक सीख लो तो आप कर सकते हो। तो अगले हैक के लिए पहले आपको चाहिए टोटम, और उसके बाद गाइस एक नई मॉब यहाँ पर आया जिसका नाम है एले। एले एले क्या कर रहा है, सीधी सीधी बातें कर, क्या ये? इसका नाम ही यही है। तो अगर गाइस मैं यहाँ पर स्पॉन करूँ तो ये देखो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा गोस्ट वाली चीज आ जाती है। ये मेरा पेट होना चाहिए। ओके अरे मेरे को भूतिया पेट चाहिए। अरे आप एक्चुअली इसको टेम कर सकते हो। तो ये एक्चुअली गाइस टेम होता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कोई भी आइटम दोगे तो वो वहीं पर ही आपको फॉलो करता रहेगा। मार दिया भाई आपको, तीर दे रहा हूँ, तीर लेके फॉलो करना मेरे को। तो अभी मैं आपको एक ऐसा हैक दिखाऊंगा जिसको आप बेसिकली इसको टेम कर सकते हो, ऑफिशियली नहीं है लेकिन आप इसको टेम कर सकते हो और ये मरेगा भी नहीं। सीरियसली? हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा मेरे पीछे पीछे आएगा ये। हाँ लेकिन वो तब जब आप इसको कोई आइटम दोगे हाथ के अंदर। इसको ये कैक्टस दे रहा हूँ, ये ले कैक्टस दे दो। अरे भाई फेंकनी नहीं होती, आपको क्लिक करना होता है कैक्टस। देखा उसने पकड़ लिया। तो अभी अगर गाइस मैं एक यहाँ पर स्पॉन कर रहा हूँ, इसको मैं हाथ के अंदर दे दूँ टोटम, और अभी अगर मैं नेदरराइट सोर्डिस के ऊपर घुमाऊँ तो लिटरली ये डैमेज ले ही नहीं रहा है, आप देख रहे हो ना भाई साहब, ये तो खतरनाक आ गया। तो ये एक्चुअली टेम नहीं होता है, लेकिन गाइस मैंने उसको अपनी एक आइटम दे दी है और अगर मैं दूर जाऊँ तो ये देखा ये मेरी एक्चुअली फॉलो कर रहा है। कहाँ पर फॉलो कर रहा है? टोटम वाला तो मेरे पास है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने एक बार फेल कर दिया था। अच्छा लगे वो तीर कमान से डैमेज ले रहा है वो। अच्छा वो तीर कमान से डैमेज ले रहा है क्या है? मारो भाई झूठ मत बोलो। अगर मैं इसको तीर कमान से मारूं तो ये मरेगा क्या? अरे मार के तो देखो, आई डोंट थिंक। अच्छा तो गाइस ये तीर कमान से तो डैमेज ले रहा है, लेकिन गाइस अगर आप इसको पंच करोगे या सोच से डैमेज करने की कोशिश करोगे तो वो उसको एक भी डैमेज नहीं पड़ेगा। और सुनो भाई आप उसको मार दो, उसके हाथ में टोटम है। मरने वाला आई थिंक, उसको एक और पड़नी है। अरे वो बच गया, हट जा सामने मत, मरने वाला ये मरता ही नहीं है यार ये कौन सा। अरे देखा ये इसने टोटम यूज कर लिया भाई साहब, हर एक बंदा टोटम यहाँ पर यूज कर रहा है, खतरनाक है क्या ना ये वाला यार। ये क्या हो रहा है? उसको मैंने तीर कमान दे दिया। इसने बोन एरो कैसे पकड़ लिया? एक अगर मैं सर्वाइवल में जाऊं और चपाती भाई अगर आप मुझे डैमेज करोगे तो ये मेरे ऊपर अटैक करेगा क्या? मैंने तो टोटम यूज कर लिया। अरे वो अटैक नहीं कर रहा तेरे ऊपर, तू उसको मार, उसको हाथ से मार। हां हां ये ले। अरे वे व्हाट है ये वाला तो डैमेज ले रहा है। तो अच्छा इसने टोटम नहीं पकड़ा तब ये डैमेज ले रहा है। मार उसकी, वो भाग रहा है उधर से। ये रहा वो तो मुझसे डर के भाग रहा है, उसको पता है कि भाई हैवी ड्राइवर कौन है यहां पर, पीरो कौन है। रुक जा इसके मैं नेटवर्क की सोर्ड देता हूं। ये ले भाई ये सोर्ड हो चुकी है, लेट्स गो। अगर आप आर्मर के साथ क्लिक करोगे तो क्या होगा? ट्राई करो भाई नेदरराइट का आर्मर, इसको देते हैं आ जाओ। नहीं रुक जा, आप भी इसके बाद दूंगा गाइस खतरनाक डायमंड वाला आर्मर। तो लीजिए गाइस मैंने हेलमेट का। अबे डायमंड वाला आर्मर क्या दे रहे हो? उसका भाई उसका कलर पहले से ही डायमंड वाला है। और उसने ले लिया मुझसे, व्हाट व्हाट ले लिया? अरे उसने पहना है क्या भाई? मुझे एक्चुअली उसका टेक्सचर दिख रहा है। रुक जा मैं दूसरे वाले को देता हूं नेदरराइट का आर्मर। हां नेदरराइट वाला दे दो। फ्रेश वाला स्पॉन करूं यहां पर और ये इसको मैं हेलमेट दूं नेदरराइट का। अरे यार उसे पकड़ लिया, फिर से क्लिक करो फिर से। अरे यार एक ही बार ही काम करता है, मुझे लगा ये एक्चुअली काम करेगा। रुक जा अभी मैं उसको दूंगा ये पहले सोड, उसके बाद ये दे रहे इसको हेलमेट। ओके ये ट्राई करते हैं। और अरे ये नहीं, भाई साहब मेरे एक ही हाथ है भाई, उसकी साइज का नहीं है, उसके साइज का नहीं आता हेलमेट। चीजें वापस लेने के लिए मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना होता है सिंपल सा। सीरियसली? हाँ अबे तीर का मान नहीं चला के, सिर्फ आपको ऑफ हैंड के साथ क्लिक करना है। अरे भाई नाइस नाइस, इसको भी टेम कैसे करेंगे? हाँ तो ये एक्चुअली टेम नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको आइटम देंगे तो ये आपकी फॉलो करता रहेगा बेसिकली। हाँ हमेशा के लिए फॉलो करता रहेगा ये। अरे ये तो मेरे को एक्चुअली माइनक्राफ्ट की दुबई सिटी में करना ही करना है। हाँ तो इमेजिन यार अगर आप वॉर के अंदर जा रहे हो तो आप इसको अपनी सोर्ड दे सकते हो ताकि आपके लिए संभाल के रखे। ए अगर वही सोर्ड अगर एनिमी ने ले ली ना तो गया। हाँ यस वैसे ये भी सही बात है। तो चलिए गाइस आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। ये थे गाइस हमारे 1.19 के ब्रांड न्यू टिकटॉक हैक्स। और अगर गाइस आपको और टिकटॉक हैक्स देखने हैं तो गिव मी 100,000 लाइक्स, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलन टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय।